ترجمان آپ کی پہچان कोरोना वायरस हिंदुस्तान के कई रियासतों में फैल चुकी है। अब तक ओडिशा इस वबा से बचा हुआ है, फिर भी लोगों के अंदर बेचैनी नजर आ रही है। इसी के तहत बालाशोर का एक तंजीम सोखा सेवा संघ की जानिब से मोहल्ला बाटेश्वर के एक मकामी स्कूल में बेदारी मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें बच्चे नौजवान के साथ बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल हुई। मेहमान की हैसियत से समाजी कारकुन सैयद सलीम रजा और अपना तर्जमान टीवी चैनल के सब एडिटर अजीम बालेश्वरी ने शिरकत की और मौजूद लोगों को कोरोना वायरस से बेदार किया। सोखा सेवा संघ के बानी व सदर स्वास्तिक कुमार नायक ने प्रोजेक्ट की मदद से कई मैसेज सामने रखे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सुभाष मासुंता, सन्यासी महाराणा, सुकांति मासुंता, संग्राम सतपति, ललिसा राय अपना ताउन पेश किए। खाने के लिए है, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहनते हैं, ये जिंदगी में जीने के लिए करते हैं। तो इसी वजह से ये अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप जितने दिन भी जिंदगी में जी के रहे, सेहत के साथ माने स्वास्थ्य के साथ जी के रहे, ये एक अहम बात। और दूसरी बात, जैसे सलीम भाई, बड़े भाई ने कहा कि आप घबराइए मत, दुनिया के कई कंट्रीज में जो है इस तरह का लक्षण पाया गया है कि बहुत लोगों को जो है इस तरह का बीमारी जो है वायरस जो है पहुंच गया है। लेकिन अभी जिस तरह स्वास्तिक भाई एक नारा दे रहे थे कि हम लोग अवेयरनेस होंगे और अपनी जिंदगी को बचाएंगे। मिताली दास, ଏଇଟା ସଖା ତରଫରୁ ଥିଲା। ସୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ସେମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ କି ଏଠି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେବ। ଆମେ ଏତେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଜି ସଖା ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରୋନା ବିଷୟରେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, କେମିତି ପରିଷ୍କାର ରହିବା, କେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ମାସ୍କ ଗୋଟେ ଦେବା, ସେମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ନ ହଉ, से विषय से ମାନେ ଆମକୁ ଆଜି କହିଲେ। ଆଜ ଏହା ପେ ସଖା ସେବା ସଂଘ କେ ତରଫ ସେ ଜୋ ଅଭି वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, जो करोना वायरस जो एक महामारी के तरफ हो गया है और अभी हर कम्युनिटीज़ में हर जगह पे ये एक दहशत फैला गया है, तो इस रिगार्डिंग हम यहाँ पे बटेश्वर कम्युनिटी स्लम में आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम कंडक्ट किए थे, जिसके आधार पे हम लोगों को, बस्ती लोगों को कैसे करोना वायरस से बचा जाए, कैसे यहाँ इसके ऊपर अवेयर हो के फिर आगे उनको फिर कैसे सेफ रखा जाए, इस बारे में हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए थे, जिसमें सारे बच्चों को जो बटेश्वर कम्युनिटी के जो बच्चे थे तो उसके उन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को हम लोग अवेयर किए, उनको सेंसिटाइज किए कैसे साफ़ सुथरा रहना है, खुद साफ़ सुथरा रहने के साथ साथ अपने जो आस पास में जो लोग हैं उनको भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई भी दवा अभी तक निकला नहीं है, तो अवेयरनेस ही इसका एक ही दवा है, जो कि हम लोग इस अवेयरनेस के माध्यम से इस वायरस को हमारे सोसाइटी से दूर कर सकते हैं थे। आज आपके इस महफिल में कौन कौन थे? आज इस महफिल पे हमारे जो बालेश्वर शहर के जो विशिष्ट समाज सभी है, सलीम रजा सर, और अपना तर्जुमान के टीवी चैनल से अजीम भैया थे, और हमारे सुभाष मासन सर गेस्ट थे जो वरिष्ठ एडवोकेट है, सुकांति अपा जो स्कूल गुरुकुल प्ले स्कूल के जो प्रधान शिक्षयित्री थे, ये सब और तमाम सखा के जो मेंबर्स थे ये प्रेजेंट थे, और काफ़ी सारे जो बस्ती के लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, इस वायरस को कैसे समाज से दूर कर दिया जाए उसके बारे से जो पार्टिसिपेशन था बहुत अच्छा था।